So now question number 7 says write the balanced chemical equation for the following reactions. यहाँ पे हमें reactions given है, हमें पहले तो इसको chemical equation में लिखना है, then करना है उसको balance. So सबसे पहले है calcium hydroxide. So calcium की valency होती है 2, hydroxide की होती है 1, valency कर देंगे exchange. CA के साथ 1 है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. OX के साथ, sorry OH के साथ, इसको रब कर देते हैं. OH पूरे के साथ 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल CO2, इट गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, दोनों की कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा CaCO3. ठीक है, 3 तो उसके सिंबल में ही है, प्लस वाटर विच इज H2O. सो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन. अब हमें करना है इसको बैलेंस, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे देखो CA कितना है, इधर है CA1, वहां पे भी CA1 है. ठीक है, O काउंट करें तो यहाँ पे है 2+2, यहाँ पे है 4, इधर अगर देखें तो 3+1, इधर भी 4 है. नेक्स्ट H की बात करें तो यहाँ पे है 2, इधर H 2 है, सेम है. तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे C है 1, इधर भी C1 है. ठीक है ना, ये क्लियर है ना, क्योंकि हम ब्रेक O को हमने अलग से लिया इसलिए C को भी ब्रेक कर गया. अब इसमें ये मत करना कि यहाँ C ब्रेक किया है तो CA का भी C ब्रेक कर दू. CA पूरा कैल्शियम का O है, सिंबल है, लेकिन यहाँ पे कार्बन, क्योंकि हमने O अलग कर दिया तो इसलिए कार्बन को भी अलग से ट्रीट किया. तो यहाँ पे फिलहाल हमने ये देखा कि इक्वेशन जो हमारे पास है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले है जिंक. जिंक के लिए Zn+. सिल्वर नाइट्रेट. अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3, दोनों की वैलेंसी है 1, तो हमें सिंपल लिखना है AgNO3. ठीक है जी, इट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट. और ये देखो जिंक की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की है 1, तो Zn के साथ तो 1 आएगा लेकिन नाइट्रेट मतलब NO3 के साथ 2 आ जाएगा. क्लियर है, प्लस सिल्वर विच इज Ag. ओके, क्लियर है. केमिकल हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई है. आप करते हैं इसको बैलेंस. यहाँ पे Zn1 है, यहाँ पे भी Zn1 है, यहाँ पे Ag1 है, इधर भी Ag1 है. अब इधर NO3 है बट यहाँ पे NO3 और 2, 3 2 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको 2 से, है ना, तो ये हो जाएगा 2 3 6. लेकिन अगर हमने यहाँ 2 लगाया तो इस Ag के साथ सिल्वर के साथ भी 2 आ गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सिल्वर खाली है, सिंपल 2 लगा देते हैं. सो इस तरीके से हमने अपनी इक्वेशन को कर दिया बैलेंस. तो ये सेकेंड पार्ट था. थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं. थर्ड पार्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. एल्यूमिनियम सिंपल, कुछ नहीं करना, कलर चेंज करते हैं पहले तो. सो एल्यूमिनियम इज Al+. कॉपर क्लोराइड, कॉपर का वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, तो कॉपर के साथ 1 आ गया, क्लोराइड के साथ 2 आ जाएगा, तो ये हो गया CuCl2. आगे देखो इट गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1, सो एल्यूमिनियम के साथ तो 1 हो गया लेकिन क्लोराइड के साथ 3 हो जाएगा, प्लस कॉपर. क्लियर, समझ में आ गया यहां तक. ये तो आ गई जी हमारी इक्वेशन. अब करते हैं इसको बैलेंस. तो देखो जरा बैलेंस कैसे करेंगे. सबसे पहले Al यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे Cu1 है, इधर भी Cu1 है, इधर Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, तो कैसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें. यहाँ पे लगा देते हैं 3, यहाँ पे लगा देते हैं 2, तो ये हो गया 3 2 6, 2 3 6, यहाँ पे भी Cl6 हो गया, यहाँ पे भी Cl6 हो गए. लेकिन अब हमने क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 लगाए, बाकी चीजें हिल गई, जैसे यहाँ पे Al2 हो गया, ये इधर Al1 ही है, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कॉपर 3 हो गया तो उधर भी 3 लगाना पड़ेगा. अब देख लो Al यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर कॉपर 3 है, उधर भी कॉपर 3 है, इधर Cl3 2 6 है, इधर Cl3 2 6 है. ठीक है जी, क्लियर है, बैलेंसिंग हो गई हमारी. नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं. सो बैरियम क्लोराइड, कलर अपना वापस ले लेते हैं. बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्या है, 2 क्लोराइड है, 1 एक्सचेंज हो जाएगा, बैरियम के साथ 1 आ जाएगा, क्लोराइड के साथ 2, तो बैरियम
क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट अगेन 8 से याद रखना है, SO4, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2, तो K के साथ तो आ जाएगा 2 SO4 as it is and it gives out barium sulfate. अब barium यहाँ है, अगेन barium की 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, कैंसिल हो जाएगा प्लेन, तो द सिंपल BaSO4 आ जाएगा प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम 1 है, क्लोराइड भी 1 है, सिंपल KCl, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन तो आ गई, अब हमें करना है इसको बैलेंस. तो Ba यहाँ 1 है, उधर भी 1 है, ग्रेट, यहाँ पे Cl 2 है, उधर Cl 1 है, कोई बात नहीं, इसको 2 बना देते हैं इस तरीके से. अब ध्यान रखना K भी वहां पे 2 हो गया, तो यहाँ पे K 2 है, इधर भी K 2 है, सही है. यहाँ SO4 है, इधर मैंने यहाँ पे 4 लिखना भूल गई यार, फॉर्मूले में ही SO4 था, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस, सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ी हमें, बाकी सब एज इट इज ठीक है, ठीक है जी. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब हम आगे अपने 8th क्वेश्चन पे, दैट सेज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस. तो यहाँ पे हमें अब एक काम और करना है, पहली बात तो इक्वेशन बनाएंगे, देन करेंगे उसको बैलेंस, एंड हमें बताना है कौन सा टाइप का रिएक्शन यहाँ पे हुआ है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम होता है 1, ब्रोमाइड भी होता है 1, सो सिंपल के, कलर चेंज कर लेते हैं. सो जी पोटेशियम इज के, ब्रोमाइड के लिए Br, दोनों की वैलेंसी 1 है तो कैंसिल आउट हो गए. अच्छा एक्वा इज लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे भी सारे एक्वा ही है, एस इज सॉलिड फॉर्म में, ठीक है. प्लस अब है बेरियम आयोडीन, सो बेरियम इज 2, आयोडीन इज 1, सो जब इसको लिखेंगे Ba के साथ 1 आ गया, आयोडीन के साथ 2 आ गया. अब यहाँ पे Ba के साथ अगर 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया एंड इट गिव्स आउट पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम की 1, आयोडीन की भी 1, सिंपल KI, ठीक है ना. प्लस बेरियम ब्रोमाइड, अब बेरियम की 2 है, ब्रोमाइड की 1 है, बेरियम के साथ 1 आ जाएगा. अच्छा 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सो बेरियम और ब्रोमाइड के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है. वैलेंसीज एक्सचेंज करके फॉर्मूला बन जाता है. तो ये तो हुआ अभी पहला पार्ट जहां पे हमने लिखी अपनी इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको बैलेंस. तो देख लेते हैं, के यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर बी आर 1 है, उधर बी आर 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो बी आर 2 हो गया, वहां भी बी आर 2 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे के भी 2 हो गया, तो इसके साथ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा. अगला देखो, बी ए 1 है, वहां भी बी ए 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है, इधर भी आयोडीन 2 है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन. अब जरा यहाँ पे ध्यान देके हमें बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कौन सा हुआ. देखो पहले पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था और बेरियम के साथ आयोडीन था. जब हमने आगे इसका रिएक्शन कराया तो पोटेशियम के साथ आयोडीन हो गया और बेरियम के साथ ब्रोमाइड हो गया, तो क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ. और जब म्यूचुअली एक्सचेंज होता है तो हम बोलते हैं कि इस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना. खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया, ठीक है जी. ये था ए पार्ट. बी पार्ट पे आ जाते हैं. बी पार्ट से जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट. अब देखो जिंक की वैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट की 2, दोनों हट जाएंगे, सो डायरेक्ट जिंक कार्बोनेट गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड, जिंक की 2, ऑक्साइड की 2, कैंसिल, सो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO, ठीक है जी. अब इसको नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंस करना है. Zn यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे O, सी 1 है, इधर भी सी 1 है, यहाँ पे O 3 है, इधर भी O 3 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है. अब आइडेंटिफाई करें कि हम कौन सा टाइप है, बहुत सिंपल है. क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सिंगल था, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीकम्पोजिशन. सो डीकम्पोजिशन, याद है ना, फर्स्ट हमने किया था कॉम्बिनेशन, उसमें क्या था, 2 मिलके एक बनाते थे, डिकम्पोजिशन में एक टूट के
सिंपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते। तो ये हो गया, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा सी पार्ट है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। सिंपल यार, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 दोनों गैस हैं, इट गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। फॉर्मूला बना लोगे, दोनों के वन है सो सिंपल HCl लिख देंगे हम। आप देखो यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने यही एग्जांपल लिया था। तो ये हो गया हाइड्रोजन 2 Cl2 है, अच्छा यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, Cl2 Cl2 हो गया बैलेंस। सो ये था सी पार्ट। अच्छा आइडेंटिफाई भी करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो जनों ने मिलके एक चीज बनाई है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कंबाइन हो गए ना ये, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सो यहाँ पे बना लेते हैं, मैग्नीशियम है सबसे पहले Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी देख के आए हैं HCl होता है, गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्रॉस होगा, Mg के साथ तो 1 है तो एज इट इज लिख देंगे, HCl के साथ 2 आ जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, गैस की फॉर्म में है तो H2 लिख देंगे, इसको रफ करते हैं। ठीक है जी, सो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने अभी इक्वेशन बनाई है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने चलते हैं, यहाँ पे Mg1 है, उधर भी Mg1 है, यहाँ पे H1 है, इधर H2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे Cl2 है, इधर भी Cl2 है, हो गया बैलेंस। अब इसमें बताना, आइडेंटिफाई करो टाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो मैग्नीशियम और यहाँ पे था मैग्नीशियम अकेला था, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या था, क्लोरीन था, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्लोरीन कर लिया अपने साथ और हाइड्रोजन को कर दिया अकेला। तो ये हो गई जी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।